वैसे तो संत जन्मदिन नहीं मनाते, किंतु दूसरों की मदद के भाव से जन्मदिन मना रहा हूँ। यह बात शनि उपासक संत श्री दादू महाराज ने उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके आश्रम में कही। दादू महाराज ने बताया कि वैसे तो संत जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन समाज में अच्छा संदेश देने और असहायों की मदद करने के उद्देश्य से वह जन्मदिन मना रहे हैं, जहां उनके शिष्यों द्वारा विभिन्न तरह के आयोजन इंदौर के उनशागर स्थित आश्रम पर हो रहे हैं। श्री गजा शनि मंदिर पर भव्य भजन संध्या आज रात को होगी। वहीं शनिवार यानी कि कल शाम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें देश के करीब 22 कवि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दादू महाराज ने बताया कि दिव्यांगों की मदद करने का प्रयास करने के उद्देश्य से वह आयोजन करते हैं। जन्मदिन पर भोजन दान करने की भी उन्होंने बात कही। गोमटगिरी आश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए भोजन वितरण, पिछले 14 वर्षों से जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरण कर रहे हैं। शिष्यों को देहदान, नेत्रदान, रक्तदान करने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। हवन, ध्वज पूजन, अभिषेक आदि भी विशेष रूप से किया जा रहा है। संत का जन्मदिन वैसे तो मनाया नहीं जाता, लेकिन यदि कोई मनाता है और हम लोग इस प्रकार से मनाते हैं तो एक संदेश समाज के अंदर जाना चाहिए। इस प्रकार का संत का जन्मदिन का मनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए कुछ मदद करें, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विकलांगों के लिए कुछ मदद करने का प्रयास करें, हम आज प्रयास यह भी कर रहे हैं कि जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता तो कम से कम हम जितने लोगों को भी भोजन करा सकते हैं, 100-150-200 बस्ती के लोगों को, उनके लिए एक विशेष रूप से भोजन बनवा के हम लोग जो गोमटगिरी के सामने पितृ पर्वत है उसके सामने जो कुष्ठ आश्रम है वहाँ पर हम लोग यहाँ से भोजन बनवा कर आज भिजवा रहे हैं कि हमारे साथ साथ वो लोग भी सहभागी बने इसके अंदर कार्यक्रम में, वो आगे बढ़े। पिछले 14 वर्षों से मैं किसी से भी उपहार नहीं लेता। उपहार के स्थान पर जितने भी शिष्य आते हैं उनसे कहता हूँ कि अपने घर से पुराने वस्त्र लेकर आएँ। उस पुराने वस्त्रों को हम लोग छाटते हैं, उसको सफाई करके, उसको प्रेस करवा के ज़रूरतमंद लोगों को पिछले 14 वर्षों से बांट रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी लोगों को मैं दीक्षा देता हूं, उनसे मैं संकल्प अहम भरवाता हूं कि आप लोगों को देहदान के लिए प्रेरित होना पड़ेगा, आपको नेत्रदान करना पड़ेंगे, आपको रक्तदान के लिए आगे आना पड़ेगा। इस प्रकार से हम सब लोग मिलजुल के कार्यक्रम करते हैं। आज यहां पर नवम स्थापना महोत्सव गजाशी शनि मंदिर जो इंदौर जिले का एकमात्र है उसका ध्वज पूजन का कार्यक्रम रखा है। उसके साथ साथ हवन भी होगा और अभिषेक भी, तेल अभिषेक होगा। कल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन शाम को 7 बजे से होगा, जिसमें पूरे देश के 22 कवि यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें कवित्री और कवि सब मिलते हैं। तो कल मैं आपके चैनल के माध्यम से दो शहरवासियों को निमंत्रण देता हूँ कि कल कवि सम्मेलन में सादर आमंत्रित हैं। महामंडलेश्वर दादू महाराज।